हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 जीके पार्ट 15 एंड टुडेज टॉपिक इज लाइफ सेविंग मशीन। क्लास 7 आपका पार्ट भाग 15 में आपका स्वागत है और आज का जो विषय है हमारा लाइफ सेविंग मशीन, एक कुछ ऐसी मशीन है जो हमारी जिंदगियों को बचाने में सहायक होती है। इन 1895 अ जर्मन साइंटिस्ट विल्हेल्म रॉयंगटेन डिस्कवर्ड एक्सरेज। 1895 में जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम विल्हेम है, उन्होंने एक्सरे की खोज की। डॉक्टर्स स्टार्टेड यूजिंग द एक्सरेज विद इन अ फ्यू मंथ्स, और उनकी खोज के एक महीने बाद ही जो है चिकित्सक जितने थे डॉक्टर्स थे उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। दिस मशीन यूजेस एक्सरेज फॉर ह्यूमन इंटरनल डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन। इंसान के अंदरूनी अंगों के लिए एक्सरे का इस्तेमाल होने लगा ताकि उससे जो है उसकी इमेज खींची जा सके अंदरूनी हिस्सों की शरीर के, और इस मशीन का नाम जो है वो है एक्सरे मशीन। दिस मशीन प्योरीफाइज ब्लड फॉर द पेशेंट हु कैन नॉट नॉर्मली रिमूव द ब्लड यूरिया थ्रू यूरिन। ये एक ऐसी मशीन है जो शरीर के जो खून को उन मरीजों के लिए बनाया गया है जो शरीर के खून में से उनका यूरिया नहीं बाहर निकल पाता नॉर्मली उनके यूरिन के थ्रू, बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, क्योंकि उनके किडनीज खराब हो जाती हैं जिस वजह से ये यूरिया शरीर से बाहर नहीं जा पाता। तो ऐसी चीज़ को ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, यूरिया को बाहर करने के लिए मशीन बनाई गई और उसका नाम है हीमोडायलिसिस मशीन। दिस मशीन इज अ लार्ज ट्यूब शेप मैग्नेट। ये एक मशीन है जो बिल्कुल बहुत बड़ी ट्यूब शेप में और मैग्नेटिक मशीन है। इट यूजेस मैग्नेटिक वेव्स टू गेट इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड नॉन कैल्सिफाइड टिश्यूज। इसका इस्तेमाल होता है शरीर के अंदरूनी हिस्सों को इमेज लेने के लिए, और साथ ही साथ जो नॉन कैल्सिफाइड टिश्यूज का मतलब जो हड्डियाँ नहीं हैं सिर्फ मांस वाले हिस्से को, इसकी इमेज लेकर के भेजता है। और इसका नाम है, जैसे हम लोगों ने कई बार सुना होगा, MRI। ये वही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट इज दिस मशीन डिटेक्ट्स हाइडियस कैंसर सेल्स इनसाइड द बॉडी। ये मशीन शरीर के अंदर के वो कैंसर सेल को खोजता है। बाय एग्जामिन द गामा रेज एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव ग्लूकोज सैंपल इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। जो शरीर के अंदर डाला जाता है गामा रेज के द्वारा जो ग्लूकोज सैंपल है जो शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उससे ये डिटेक्ट होता है। और इस मशीन का नाम है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी मशीन। इन 1972 ब्रिटिश साइंटिस्ट गॉडफ्रे हाउंसफील्ड डेवलप्ड अ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। 1972 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम गॉडफ्रे हाउंसफील्ड है, उन्होंने एक मशीन का इजाद किया, एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम था कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैनर दैट कुड टेक पिक्चर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये शरीर के अंदर की तस्वीरों को ले सकता ऑफ द बॉडी। इट यूजेस एक्सरेज एंड अ कंप्यूटर टू क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये एक्सरे के साथ मशीन का इस्तेमाल करता है जिससे शरीर के अंगों की एक पूरी डिटेल्स पता चल जाती है। और इसका नाम, इस मशीन का नाम है सिटी स्कैन मशीन। इट यूज्ड फॉर मेडिकल डायग्नोसिस टू लुक फॉर ट्यूमर्स। ट्यूमर्स के लिए ये इस्तेमाल होता है खोजने के लिए और उसका पता लगाने के लिए। एनालाइज बोन स्ट्रक्चर्स और एग्जामिन द हेल्थ ऑफ ए फिटस, या शरीर का जो बनावट है जो खास हड्डियों की, या फिर
बच्चे की जो पेट में होता है उसके बारे में पता लगाने वाली चीज़ है ये मशीन। डॉक्टर कार्ल थियोडोर ऑफ ऑस्ट्रिया फर्स्ट रोट अ पेपर ऑन दिस डायग्नोसिस इन 1942 में। डॉक्टर कार्ल थियोडोर जो ऑस्ट्रिया के, उन्होंने पहली बार अपने इस डायग्नोसिस को या कहा जाए इस इलाज को या कहा उसके बारे में लिखा पेपर में। एंड प्रोफेसर इयान डोनाल्ड ऑफ स्कॉटलैंड डेवलप द एप्लीकेशन इन द 1956। और 1950 में डॉक्टर इयान ने स्कॉटलैंड के जो हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया और इस मशीन का नाम है अल्ट्रासाउंड मशीन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टडी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।